नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत साइबर सेल की टीम ने राजस्थान से दो ठोंगी तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार किया है। दरअसल इनकी करतूत अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सूरत के एक परिवार ने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी और उस पर एक संपूर्ण समाधान लिखा हुआ था और जल्द उसी कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके उन तांत्रिक बाबा से संपर्क करते हैं। तांत्रिक बाबा सूरत आते हैं और अपने मित्र के साथ तांत्रिक के नाम पर उस परिवार से करीबन 15 लाख रुपए से ज़्यादा ऐंठ लेते हैं। संपूर्ण समाधान जब नहीं मिलता है तो परिवार जो है वो साइबर सेल को संपर्क करता है और शिकायत दर्ज करवाता है। साइबर सेल की टीम जो है पूरे मामले को छानबीन के बाद राजस्थान पहुँचती है, जहाँ पर इन दोनों बाबा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर सूरत लाती है। दरअसल आप भी अगर सोशल मीडिया पर किसी भी तांत्रिक विधि के नाम पर यदि आपको लालच दे रहा है तो आप भी सावधान हो जाएं, क्योंकि आप भी इनके शिकंजे में आ सकते हैं और अपनी रकम को गवा सकते हैं। इसलिए आप भी सतर्क रहें और सावधान रहें और इन बाबाओं से दूर रहें। सूरत से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर श्री सूरत सर, अधिक पुलिस कमिश्नर श्री सूरत शहर और नायब पुलिस कमिश्नर श्री क्राइम ब्रांच सूरत शहर की सूचना के अनुसार सूरत सिटी के नागरिकों की साइबर क्राइम से और फाइनेंशियल फ्रॉड से सुरक्षा करने के लिए सूचना दी गई थी और अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो उस आरोपियों को दूर निकालने के लिए और क्राइम रजिस्टर करने के लिए जो सूचना दी गई थी उसके अंतर्गत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सूरत सिटी के अंदर एक FIR लॉन्च की गई थी, जिसमें फरियादी राजकुमार परमार ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर फरियाद दी थी। उन्होंने फेसबुक अकाउंट पे एक शैलेंद्रनाथ अघोरी नाम का अकाउंट था, जिस पे लिखा गया था कि अपनी सारी समस्याओं का समाधान तांत्रिक विधि से कीजिए। तो फरियादी श्री ने उनका संपर्क किया और व्हाट्सएप से शैलेंद्र अघोरी, जिनका असली नाम मुनीश भार्गव है, उनका संपर्क उन्होंने किया। शैलेंद्रनाथ अघोरी यानी मुनीश भार्गव ने फरियादी को फिसला कर उनको बहका कर उनसे 7 से 8 महीनों के समय में तांत्रिक विधि हवन वगैरह करने की आड़ में 15,51,510 रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से उनके पास से ले लिए और बार बार कई तरह की विधियाँ बताई और एक बार यहाँ सूरत में आके उन्होंने और उनके साथ उनका जो सागरी थे मनोज भार्गव, उन दोनों ने यहाँ सूरत सिटी में आके फरियादी के घर पे एक फेक तांत्रिक विधि वगैरह करके घर में हाथ चालाकी से खड्डे में सोना और कुछ हड्डियाँ वगैरह रख के फरियादी को बहुत ही डराया कि आपके घर में दुष्ट आत्माओं का वास है और बहुत सारा सोना है, अगर आप शांति चाहते हो तो आपको ज़्यादा हवन वगैरह करवाना पड़ेगा। और ऐसे फरियादी के साथ साइबर क्राइम के फ्रॉड करके टोटल 15,51,510 रुपये, जिसमें एक सोने की चेन भी शामिल है, ये सारी चीज़ें लेके साइबर क्राइम फ्रॉड किया था। किस तरह का जो है तांत्रिक विधि जो है उसके घर पे किया गया था? मन की शांति के लिए, घर की शांति के लिए ऐसा बताया गया था कि घर में दुष्ट आत्माओं का वास है, इसके लिए ये विधि कर रहे हैं। विधि के अंदर फरियादी को बोला गया था घर में खड्डा खुदवाओ। खड्डे के अंदर जब विधि हो रही थी तब बहुत सारा घर में धुआं हो गया, उसके दौरान ये जो मनोज भार्गव है, मुनीश भार्गव का साथी, उसने हाथ चालाकी से खड्डे के अंदर नकली सोने के गहने जो उनके पास थे वो और कुछ हड्डियां वगैरह रखे, फिर फरियादी को दिखाए, फिर अगेन हाथ चालाकी से ये सारी चीज़ें गायब करके उनको बताया कि ये सारी जो चीज़ें जहाँ से आई थी वहीं से वापस चली गई है, अगर तुम चाहते हो कि इससे ज़्यादा सोना तुम्हें मिले तो तुम्हें विधि करवानी पड़ेगी। इस दौरान मनोज भार्गव जो है उसने उसके ऊपर आत्मा आई है ऐसा नाटक भी किया था और उसके दौरान उसने बताया, उसने थोड़ा नाटक करके वो भी बताया कि मेरे अंदर काल भैरव है और मुझे 108 बकरे की बलि चाहिए और इसके लिए फिर फरियादी को बोला गया कि ये जो मांगा है वो देना पड़ेगा तो हम और हवन और बलि वगैरह विधि करेंगे। अब तक की पूछताछ में आरोपी का क्या कुछ बयान रहा कि आगे इस तरह के कोई गतिविधियां वो कर चुका है? आरोपी ने बताया है अभी तक उसके खिलाफ हमें पता नहीं है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई FIR रजिस्टर्ड हुई हो या NCCRP पोर्टल पे उसका नंबर वगैरह कुछ
रिपोर्ट हुआ ऐसा नहीं है, बट आरोपी का इंट्रोगेशन में उसने बताया है कि हाँ ये उसका काम ही है, वो पूजा हवन वगैरह फेसबुक के माध्यम से और जो भी मिलते हैं उस माध्यम से वो यही कामगिरी करता है और उसके बदले में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से पैसे लेता है। बट इतनी बड़ी अमाउंट अभी तक उसने किसी से नहीं ली है, बट 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक ऐसे सबको वो भरमा के विधि करेंगे, यहाँ विधि कर दी, इतने रुपये दे दो तुम्हें शांति हो जाएगी, ऐसे उसने काफ़ी 100 से ज़्यादा लोगों के साथ चीटिंग की हुई। सूरत के अलावा और कहीं भी गुजरात के कोई भी जगह पे इसने नहीं, सूरत पहला है, सूरत के अलावा अभी तक के इंट्रोगेशन में नहीं खुला है, बट उसका जो फेसबुक आईडी है उसके हिसाब से वो काफ़ी सारे लोगों के देश के अंदर संपर्क में था और उस हिसाब से, और उसने अपना जो बताया था फेसबुक आईडी में ही उसने बताया कि ही बिलोंग्स टू उज्जैन, सो लोग काल महाकाल मंदिर और जो है वहाँ, तो उनको सबको लगता है कि वो वहाँ का भक्त और वहीं का पुजारी है, उस हिसाब से काफ़ी लोगों ने हम मानते हैं कि उसके साथ ये ट्रांजेक्शन।